हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है इन दोनों का। और आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि सर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था और मेरे फ्रेंड का इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था, हम दोनों का सेम सब्जेक्ट है, फिर भी उसका पेपर इजी था और मेरा पेपर टफ आया था, तो क्या ऐसा है कि मैं पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा जबकि मेरा फ्रेंड क्वालिफाई कर जाएगा बिकॉज उसका पेपर इजी आया था। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप परसेंटेज को छोड़कर के परसेंटाइल को एक बेसिस बनाया गया है आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने का, और अब जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल की बेस में आता है, की फॉर्म में आता है, ना कि परसेंटेज की फॉर्मेट में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों में और किस तरीके से एनटीए जो है इस परसेंटाइल को कैलकुलेट करता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एंड गाइस वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहां पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माय नेम इज मोहम्मद आजम, आई हैव वर्क्ड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजेएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं किस तरीके से परसेंटाइल का कैलकुलेशन होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए गाइस, तो गाइस यहां पर परसेंटेज में बताऊंगा, यहां बताऊंगा परसेंटाइल। तो सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मतलब आपके कितने मार्क्स आए हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। सपोज करो आपने स्कोर किया, आपने स्कोर किया लगभग लगभग 200 नंबर का, कितने में से, 300 में से, क्योंकि टोटल 300 नंबर का पेपर होता है दोनों का मिला करके, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पे क्या होगा, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। तो चलो अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम ये मान लेते हैं कि आपने 210 नंबर स्कोर किए थे, ताकि सिंपलिसिटी के लिए, ताकि यहां पर ये डिवाइड हो जाए, तो 3 7 21 और 0, मतलब आपने 70% स्कोर किया है। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालें, परसेंटेज निकालना बहुत इजी होता है, आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो परसेंटेज तो एक इजी बात है, आप लोग इजिली निकाल लेते हो, बट परसेंटाइल क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटाइल में आपके मार्क्स नहीं देखे जाते, आपका ये देखा जाता है कि आपके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। सपोज करो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे थे, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे 1200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, मतलब इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन अपीयर मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि एग्जाम देने आए, ऐसे केवल 1000 बच्चे थे, केवल 1000 बच्चे थे जो एग्जाम देने आए। नाउ गाइस यहां पर अब आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है यहां पर। तो गाइस मैं फॉर्मूला बता देता हूं यहां पर फटाफट से एक बार। फॉर्मूला होता है कि स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, आपने जितना स्कोर किया है, आपके पीछे ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो कि पीछे रह गए। सपोज करो टोटल यहां पर 1000 बच्चों ने जो है वो अपियर हुए थे एग्जाम में, आपने स्कोर किया 90%, मतलब एक तरीके से आपके 90 नंबर आते हैं, ठीक है, 100 में से, तो आपके पीछे कितने बच्चे रह गए। यहां पर गाइस जो परसेंटेज निकाला जाएगा वो परसेंटेज आपका रिजल्ट ड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि परसेंटाइल यहां पर रिजल्ट ड्रॉ करेगा। अच्छा आप लोग कंफ्यूज ना हो, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि आपसे पीछे रह गए, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइड बाय टोटल अपियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अपियर किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, सपोज करो 1000 बच्चों ने पेपर दिया, ये अपियर स्टूडेंट्स है, इसमें से आपने स्कोर किया सपोज करो 90% या 90 नंबर लेके आए, सबको छोड़ो आप, तो क्योंकि पेपर 300 नंबर का होता है, तो मैं 300 वाला एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो 300 में से आपके मार्क्स आए 290 मार्क्स आ गए, ठीक है, अब यहां पर आप टॉपर हो, आप कौन हो, आप 290 नंबर लाने वाले टॉपर हो, आप मतलब उस कंप्लीट लिस्ट में 1000 के बच्चों में आप बिल्कुल टॉप पे हो, आप फर्स्ट नंबर पे हो, तो ऐसे में स्टूडेंट्स बिहाइंड यू कितने हो जाएंगे, मतलब आपने टॉप किया है, तो सपोज करो 1000 टोटल बच्चे थे, तो इसमें से आपके पीछे कितने बच्चे हो गए, आप टोटल 999 बच्चे हो गए आपके पीछे, सो 999 यहां पे आ जाएगा। टोटल अपियर स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम अपियर किया, टोटल बच्चे 1000 बच्चों ने अपियर किया, अब यहां पर हम क्या 1200 नहीं लेंगे, अपियर वाले का लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कट गया, और यहां पर ये एक जीरो यहां पे था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 99.9,
तो ये आपका परसेंटाइल है, मतलब ये बोला जाएगा कि आपने 99.9% स्कोर किया है, जबकि आपके 290 नंबर थे। अगर अगर सपोज करो आपकी परसेंटेज निकाली जाए तो 290 नंबर आप लेके आए थे, डिवाइड बाय 300 टोटल जो पेपर मार्क्स था, टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 खत्म, 37 जा 24, 39 27, ये 9 हो जाएगा, और यहां बचेगा कितना 2, 20, 3, 6, 18, तो 96 समथिंग बनेगा। मतलब यहां पर जो परसेंटेज है वो अलग बनेगी, वो परसेंटाइल बनेगी अलग। अब गाइज ये बात याद रखना कि जो आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज के बेस पे नहीं बल्कि परसेंटाइल के बेस पे डिक्लेयर किया जाता है। परसेंटाइल के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कहीं भी नंबर की बात नहीं की कि आपने कितने नंबर स्कोर किया है, ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। यहां पर स्टूडेंट बिहाइंड यू बात की जा रही है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स के बेस पे ही आपका जो रिजल्ट है वो ड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ पे मार्क्स की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर केवल मार्क्स के बेस पे आपका रिजल्ट ड्रॉ करेंगी तो आपके साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा, आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं होगा, बिकॉज किसी का पेपर इजी होता है तो ज्यादा अच्छी परसेंटेज लेके आएगा, किसी का पेपर टफ होता है तो उसकी परसेंटेज कम रह जाएगी। तो यहां पर जो अगर आप परसेंटेज के मार्क्स पर रिजल्ट ड्रॉ करेंगे तो सही नहीं होगा, बल्कि परसेंटाइल के बेस पर रिजल्ट ड्रॉ करना एकदम सही होगा। तो गाइज यहां पर सपोज करो एक एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा और आपको अच्छे समझाता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो 300 नंबर का पेपर था एनटीए का, यूजीसी नेट का, अब पेपर बहुत टफ आया, पेपर इतना टफ आया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर स्कोर किया, बस आपने 120 ही स्कोर किया, इससे ज्यादा आप स्कोर कर ही नहीं पाए, और उस 1000 बच्चों में जिन बच्चों ने पेपर अपियर किया, टोटल 1000 बच्चे, आपकी कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, यहां पर हमेशा कैटेगरी वाइज होता है, टोटल नंबर की बात नहीं करते, जैसे सपोज करो कॉमर्स है तो कॉमर्स में कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स का मैं यहां पर निकाला जाता है। तो गाइस सपोज करो इस 1000 बच्चों में से आपके मार्क्स है 120 और आपके 120 मार्क्स है और आप टॉपर हो, मतलब इतना टफ पेपर था कि टॉपर बच्चे की 120 मार्क्स आए, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अब नंबर यहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू डिवाइड बाय क्या होता है अपियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो बिहाइंड यू कितने हो जाएंगे, क्योंकि आप टॉपर हो, आपके टोटल 120 नंबर आए, तो सारे बच्चे आपके पीछे ही हैं, क्योंकि 120 से ज्यादा तो किसी ने स्कोर किया नहीं है, तो 1000 में से आपको हटा देंगे तो 999 बचेगा, यहां बचेगा 999 मल्टीप्लाई बाय अपियर स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने थे 1000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था जिन्होंने एग्जाम देने गए थे अपियर हुए थे, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसे काटेंगे तो एक जीरो बच जाएगा यहाँ पर, और एक जीरो से यहाँ पर हटाएंगे तो बचेगा 99.9। तो अभी भी जो आपकी परसेंटाइल वो कितनी बन रही है, 99.9 परसेंटाइल बन रही है। तो यहां पर गाइज अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं भी किया है तो भी आपकी जो परसेंटाइल है वो अच्छी आती है, क्यों? क्योंकि पेपर टफ था और यहां पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बिहाइंड यू देखे जाते हैं कि आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, उसके बेस पर रिजल्ट ड्रॉ किया जाता है, ना कि परसेंटेज के बेस पे। तो अगर किसी एक बच्चे ने 120 नंबर स्कोर किया 300 में से और दूसरे बच्चे ने स्कोर किया दूसरे शिफ्ट में 200 नंबर स्कोर कर लिए 300 में से, तो यहां पर परसेंटेज निकाल करके अगर आप निकालोगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन अगर परसेंटाइल निकाली जाए जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिहाइंड यू की बात की जा रही है तो फिर जो है आपके लिए इनजस्टिस नहीं होगा, फिर वहां पर जस्टिस की बात की जाएगी। तो परसेंटाइल जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज ये परसेंटाइल निकालने का बस यही मोटो रहता है कि आप लोगों के साथ जस्टिस किया जा सके। अच्छा एक चीज और, अब परसेंटेज कैसे निकाले, तो परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जैसे ही आपकी आंसर की आती है, क्या आती है आंसर की, जैसे ही आपकी आती है तो उसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसे आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे ना, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, जैसे आप लॉगिन करते हो वो ऊपर देखना, जैसे पेज खुलेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डाउनलोड प्रिंट का, ऑप्शन करके होगा प्रिंट करके होगा, उसको प्रिंट पे क्लिक करना, पीडीएफ में इसको सेव कर लेना, पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा उसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सपोज करो टोटल पहले पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आए, तो इसमें 150 क्वेश्चन में आपने केवल 50 क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि आपने आंसर की से मैच कर लिया, तो आपने केवल 50 क्वेश्चन ठीक किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 100 नंबर का पेपर आप एकदम सही करके आए थे, तो परसेंटेज निकाल लोगे आप अपनी, 100 नंबर आपने स्कोर किया 300 में से मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट जाएगा, इससे काटोगे तो कितना आएगा 33.33, मतलब 33% आपने स्कोर किया है। तो परसेंटेज निकालने का यही तरीका है गाइस कि आप अपनी पीडीएफ सेव कर लेना, सेव करने के बाद आप इसको इजीली देख सकते हो, निकाल सकते हो परसेंटेज, और परसेंटाइल तो एनटीए ही बताएगा, क्योंकि एनटीए ही जानता है कि कितने बच्चों ने पेपर अपियर किया
और कितने बच्चे आपके पीछे हैं, बिहाइंड यू, आपके पीछे कितने बच्चे हैं, तो वो आपको एनटीए नहीं बताता है, वो खुद ही कैलकुलेट करते हैं। तो आप परसेंटाइल नहीं निकाल सकते, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक कि आपको डेटा पता ना हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड कितने आपकी कैटेगरी में और टोटल नंबर आपसे बिहाइंड बच्चे कितने, मतलब आपके पीछे कितने बच्चे रह गए जितना आपने स्कोर किया, तब तक आप परसेंटाइल नहीं निकाल सकते। लेकिन परसेंटेज आपके हाथ में, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, तो परसेंटेज आप निकाल लेना, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे जब आपके आंसर की आ जाएगी, किस तरीके से चेक की जाएगी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर आंसर की किस तरीके से चेक की जाती है, कैसे हम अपने क्वेश्चन जो है वो मैच करेंगे, कौन से हमारे ठीक है कौन से गलत है, बिकॉज काफी कोडिंग फॉर्म में रहता है, वो कोड वगैरह डालते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए किस तरीके से जो है आप यहाँ पर आंसर की चेक करते हैं। तो कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो कर लेना फिर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर कर देना। सो गाइस कमेंट करके आप लोग अपने फीडबैक दे दिया करो कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन में से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। एंड गाइस 2022 के लिए नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीटली अपडेटेड नोट्स मैंने बना दिए हैं, आप नोट्स को ले सकते हैं। चलिए मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। अब गाइस टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पर हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर वन। अगर आप पेपर वन के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर वन में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज इन पेपर वन के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल हैं फॉर पेपर टू, आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर वन एंड कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है इनको, काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई doubt रहता है, कोई comment होता है, कोई doubt है, कोई query है, तो आप इसी video के comment section में आप comment करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको reply करके आपकी help कर दूंगा। And guys, ज़्यादा से ज़्यादा इस video को share कर देना अपने सभी friends के साथ जो भी UGC NET या SET की preparation कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा recommend करो इस channel को ताकि हमारी growth हो और हमें motivation मिले आप लोगों के लिए video lectures content create करने में। So guys, इस video में इतना ही, मिलते हैं next video में। Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.